नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5 वेक्टर और क्वेश्चन नंबर 10th तक जो है हमने अपनी पहली वीडियो में जो अपलोड कर दिए हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ़ देयर इज ए सेट ऑफ थ्री वैक्टर्स ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड मोड ऑफ ए इक्वल टू थ्री मोड ऑफ बी इक्वल टू फाइव एंड मोड ऑफ सी इज इक्वल टू सेवन। तो हमारे पास जो है गिवन कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो के इक्वल है, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू आएगी माइनस सी। अब जो है हम बोथ साइड इसको जो है ए डॉट बी से जो है इसको इधर भी जो है ए डॉट बी से इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इधर माइनस सी है। अगर मैं ए डॉट बी से करूं लेकिन ए डॉट बी की अगेन वैल्यू क्या हमारे पास माइनस सी, तो हम इसकी वैल्यू जो है माइनस सी रख देते हैं। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ ए प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू मोड ऑफ सी स्क्वेयर जो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास इसको ओपन करने का फॉर्मूला है मोड ऑफ ए स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वेयर प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड सी स्क्वेयर जो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो है हम ए डॉट बी की जो है वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड माइनस बी स्क्वेयर। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, ए डॉट बी का जब एंगल वाले क्वेश्चन में जब आप निकालते हो तो ए डॉट बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा। वहाँ पे कोस थीटा का फॉर्मूला होता था ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, तो उस फॉर्मूले से जो है हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया है। आप इसमें वो वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से जो आप कोस थीटा की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कोस थीटा इज इक्वल टू मोड सी स्क्वेयर माइनस मोड ए स्क्वेयर माइनस मोड बी स्क्वेयर अपॉन टू मोड ए मोड बी जो हमारे पास है आ जाएगा। तो हमारे पास सी ए बी सब की वैल्यूज है, तो आप यहाँ पे सब की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सेवन का हो जाएगा स्क्वेयर 49 माइनस 9 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 अपॉन 30 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री जो है आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की। क्वेश्चन नंबर 12th हमारे पास क्या कहता है कि एक्सप्रेस कीजिए एक वेक्टर आपके पास दे रखा है ए इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 5k एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स सच दैट वन इज द पैरेलल ऑफ बी, तो जो बी हमारे पास है वो दे रखा है 3i प्लस के एंड अदर इज़ द परपेंडिकुलर टू बी। ये कहता है कि आप एक्सप्रेस कीजिए इस वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के सम में लिखना है इस वेक्टर को। तो दो वेक्टर हम एक मान लेते हैं ए वन वैक्टर और एक ए टू वैक्टर, तो ए वन प्लस ए टू को सम करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ए। अब ये कहता है कि जो ए वन और ए टू वैक्टर हैं जो वो हमारे पास ये कह रहा है कि वन जो है वो तो पैरेलल होएगा वैक्टर बी के और जो अदर है वो परपेंडिकुलर होगा बी के। तो हमारे पास ए वन जो वेक्टर है हम ए वन वैक्टर को लिख लेते हैं कि लैम्डा इंटू थ्री आई प्लस के, क्योंकि इस वेक्टर के जो है पर वो पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं ए वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू थ्री आई प्लस के। और ए टू की जो वैल्यू है हमारे पास, ए टू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए माइनस ए वन कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5i माइनस 2j प्लस 5k और माइनस लैम्डा ये आ जाएगा 3 लैम्डा आई और प्लस लैम्डा के, तो ये जो हमारे पास है ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास आई जे के, तो ये टू वेक्टर बनेगा 5 माइनस 3 लैम्डा आई एंड माइनस 2j और प्लस 5 माइनस लैम्डा के। अब ए टू जो है हमारे पास ये ए टू वेक्टर ये परपेंडिकुलर है किसका ए पे, अब ए टू परपेंडिकुलर है तो ये बी पे परपेंडिकुलर है, तो ए टू डॉट बी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जीरो आएगा, जीरो आएगा। तो अब बी की वैल्यू क्या थी 3i प्लस के, तो इसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी ये क्या है 5 माइनस 3 लैम्डा, ये हमारे पास i था i के कंपोनेंट के साथ, तो ये 3 यहाँ पे, अब यहाँ पे j का कोई कंपोनेंट नहीं है तो j का कंपोनेंट 0, यहाँ पर k का हमारे पास कोफिशियंट 1 है तो इसके साथ करेंगे तो प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब लैम्डा की वैल्यू अगर आ गई तो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ए वन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6i प्लस 2k आ जाएगी
और उसके बाद हमारे पास जो है ए टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस आई माइनस टू जे और प्लस थ्री के, तो टोटल ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास क्या होता है ए वन प्लस ए टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिक्स आई प्लस टू के माइनस आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, तो फाइव आई और प्लस आ जाए माइनस टू जे और प्लस फाइव के जो है हमारे पास में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की। अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है हमारे पास स्टेटमेंट क्या दे रखी है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इफ द वेक्टर हमारे पास जो है सेकेंड वेक्टर दे रखा है एक थ्री आई प्लस एक्स जे माइनस के और सेकेंड वेक्टर दे रखा है टू आई प्लस जे प्लस वाई के, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और जो मैग्नीट्यूड है उनका वो इक्वल है, तो हम जो है ए वेक्टर को लेकर चलते हैं तो थ्री आई प्लस एक्स जे माइनस के और बी की वैल्यू है हमारे पास, तो ए डॉट बी जो है हमारे पास इज इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ करेंगे तो वन और थ्री और टू सिक्स हो जाएगा हमारे पास कोफिशेंट और प्लस एक्स इंटू वन और माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब मोड ए इज इक्वल टू मोड बी हो जाएगा, मोड ए निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा थ्री स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस वन का स्क्वेयर अंडर दी रूट इज इक्वल टू बी का करेंगे तो ये आ जाएगा टू का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर का रूट, तो ये जो है हमारे वन टेन और अंडर दी रूट ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस फाइव, तो रूट से रूट कैंसिल तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस फाइव आ जाएगा और एक्स प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू है ही तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो x माइनस वाई की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी फाइव अपॉन सिक्स, तो इन दोनों इक्वेशन से जो है ये वैल्यू और ये है इन दोनों से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की आ जाएगी माइनस थर्टी वन बाई ट्वेल्व और y की आ जाएगी फोर्टी वन बाई ट्वेल्व। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14th इज इफ a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c, प्रूव दैट इफ आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू c और a परपेंडिकुलर टू b माइनस c। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है a डॉट b इक्वल टू a डॉट c, यहाँ से इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो a डॉट b इक्वल माइनस a डॉट c इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हैं a डॉट b माइनस c इक्वल टू जीरो, तो अब किसी की डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो हमारे पास ये रूल होता है कि या तो फर्स्ट जीरो या सेकेंड जीरो या दोनों परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं या तो a जीरो या b माइनस सी जीरो या a परपेंडिकुलर है b माइनस सी से, इससे हम ये कह सकते हैं कि b माइनस सी अगर जीरो है तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो यही हमने प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट हमारे पास कहता है कि इफ a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है जीरो है, तो हमें प्रूव करना है कि मोड a इज इक्वल टू मोड b के इक्वल होगा। अब a प्लस बी डॉट ए माइनस बी अगर जीरो है तो हम इसको जो है प्रोडक्ट करते हैं, यह आ जाएगा ए डॉट ए माइनस बी एंड प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम खोल सकते हैं ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और बी डॉट बी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा ए डॉट ए एंड प्लस माइनस ए डॉट बी और प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा मोड ए स्केयर या आ जाएगा मोड बी स्केयर, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मोड ए स्केयर इज इक्वल टू बन जाएगा मोड बी स्केयर, तो स्केयर ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा मोड ए इज इक्वल टू मोड बी जो है बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्रूव कीजिए हमारे पास टू वैक्टर हैं ए एंड बी आर परपेंडिकुलर हैं इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लेके चलते हैं कि ये जो है हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मोड ए का स्केयर प्लस मोड बी का स्केयर, आप इसको इफ एंड ओनली इफ ये वाला निशान लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको दो जो है ना लंबा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास इसका ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा मोड ए स्केयर प्लस मोड बी स्केयर एंड प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए स्केयर एंड प्लस मोड बी स्केयर। अब यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि मोड ए स्केयर से ये कैंसिल बी से ये कैंसिल, तो इफ एंड ओनली इफ टू ए डॉट बी इक्वल टू जीरो
और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अब ए डॉट बी जीरो होता है यहाँ पे, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी जो है हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो है हमारे पास सेकंड पार्ट है 15 का ही, 15 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि प्रूव कीजिए कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर गिवन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको भी आप ऐसे ही ओपन कर सकते हैं, इसने दे रखा है कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू है मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए एंड प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए स्क्वेयर प्लस मोड बी स्क्वेयर। तो ये मोड ए स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा टू ए बी और प्लस मोड बी स्क्वेयर इक्वल टू मोड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा। इसमें भी आपने जो है इफ़ एंड ओनली इफ का निशान जो है लगाना है। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए हमारे पास कोई भी वेक्टर है स्पेस में, तो शो कीजिए कि ए इज इक्वल टू ए डॉट आई इंटू आई ए डॉट जे इक्वल डॉट जे प्लस ए डॉट के डॉट के। हम मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो है वेक्टर है हमारे पास कोई भी स्पेस में, तो हम ए डॉट आई निकालते हैं। ए डॉट आई इसके साथ अगर मैं आई का प्रोडक्ट करूँ तो सिर्फ एक्स का कोफिशियंट आएगा, और अगर मैं ए का जे के साथ करूँ तो सिर्फ वाई वाला कोफिशियंट, और ए का के साथ करेंगे तो सिर्फ के वाला कोफिशियंट जो है आएगा हमारे पास। तो ये इसके बाद अब हम जो है राइट हैंड साइड को निकालते हैं, ये तो हमारे पास जो है ए आई ए जे और ए के जो है हमारे पास आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड ये कहती है कि ए डॉट आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स आई प्लस वाई को जे से तो वाई जे प्लस जेड को के से। अब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो चीज़ है वो लेफ्ट में क्या ए हमने यही तो ले रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि शो कीजिए कि ये जो वैक्टर हमारे पास है म्यूचुअली परपेंडिकुलर और यूनिट वैक्टर हैं, तो ये तीनों वैक्टर दे रखे हैं, इसको ए मान लेते हैं इसको बी और इसको सी। तो सबसे पहले हम मोड ए निकालते हैं, मोड ए हमारे पास आ जाएगा 2/7 का स्क्वेयर आ जाएगा, तो यानी कि 4/49 प्लस 3/7 का तो 9/49 प्लस 6/7 का तो 36/49, और इसका रूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49/49 तो 1 आ जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/7 का स्क्वेयर यानी कि 9/49, ये -6/7 का तो 36/49, 2/7 का तो 4/49, तो ये भी 49/49 1 आ जाएगा। मोड सी निकालेंगे तो ये भी हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, आप निकाल के देखेंगे तो। उसके बाद हम निकालते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालेंगे तो 2/3 ये आ जाएगा 6/49, आगे आएगा -18/49 और ये आ जाएगा +12/49, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। फिर हम निकालते हैं बी डॉट सी, बी डॉट सी आ जाएगा तो ये हमारे पास 3/6 18/49 -6/2 -12/49 और 2 और -6 यानी कि -6/49 इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे सी डॉट ए, सी डॉट ए निकालेंगे तो ये 6/2 12/49 ये 6/49 और -18/49 इज इक्वल टू 0 जो है हमारे पास है, ये क्वेश्चन जो है 0 बन जाएगा। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हमारे पास जो है थ्री वेक्टर्स हैं ए बी सी आर थ्री वेक्टर गिवन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए जो है 0 होगी, तीनों की डॉट प्रोडक्ट 0। एंड ये कहता है कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी होगा, तो कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, तो इन दोनों के बीच में जो हमने एंगल निकालना है, एंड शो कीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी के बीच इक्वली इंक्लाइंड होगा टू ए बी सी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड ए बी सी का इक्वल है, तो हम मान लेते हैं कि इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो किसी लैम्डा के इक्वल है। अब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी और इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसने दे रखा था कि
हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी के लेकर चलते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का मोड और उसका स्क्वेयर, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी जो है हम निकाल सकते हैं। अब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी एंड प्लस सी डॉट सी हो जाएगा। अब ए डॉट बी ए और ए डॉट सी बी डॉट ए डॉट बी बी सी तो सब जीरो हैं, जो अलग वाले हैं, जो सिंपल वाले हैं, जो सेम है वो बन जाएगा मोड ए स्क्वेयर प्लस उसके बाद मोड, ये बी है हमारे पास तो मोड बी स्क्वेयर, ये हमारे पास है सी तो प्लस मोड ए सी स्क्वेयर, बाकी सब ये जीरो जीरो बन जाएंगे क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो हैं दे रखी हैं। तो ये अब ये सब लैम्डा लैम्डा है तो 3 लैम्डा स्क्वेयर हो जाएगा। तो जो हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर था जो, वो आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वेयर। तो ए प्लस बी प्लस सी है जो, वो आ जाएगा √3 लैम्डा। तो ये बन जाएगा, अपने एंगल निकालना है ए बी सी का, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का विद ए विद बी और विद सी तीनों निकालने हैं। तो हम θ1 θ2 θ3 लेते हैं। cos θ1 हम मान लेते हैं कि ए का ए प्लस बी प्लस सी के साथ एंगल है, अपोन आ जाएगा मोड ए मोड बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब ए डॉट बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ए डॉट ए करेंगे तो मोड ए स्क्वेयर, ए डॉट बी करेंगे 0, ए डॉट सी करेंगे 0 क्योंकि इसने दे रखा है नीचे इसकी वैल्यू √3 लैम्डा और इसकी हमारे पास लैम्डा। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है आ जाएगी फाइनली, ये रूट इसकी तो थी √3 लैम्डा और मोड ए की वैल्यू है लैम्डा, यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं लैम्डा स्क्वेयर, तो लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा स्क्वेयर कैंसिल, 1/√3 जो एंगल आ जाएगा। तो θ1 की जो है वैल्यू आ जाएगी वो cos 1/√3। अब हम θ2 निकालेंगे, θ2 यानी कि cos θ2, cos थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे बी काम डॉट प्रोडक्ट करें, ये करेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन मोड बी और मोड ए प्लस बी प्लस सी, सेम यार इसमें बी डॉट ए 0 बी डॉट सी 0, मोड बी का स्क्वेयर यानी कि लैम्डा स्क्वेयर अपॉन मोड बी लैम्डा और ये √3 लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा ये भी 1/√3 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास cos θ3 करेंगे तो सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन मोड सी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा सी की सी के साथ करेंगे तो सी स्क्वेयर, उसकी वैल्यू लैम्डा स्क्वेयर, बाकी सी डॉट ए 0 सी डॉट बी 0, यहाँ से ये लैम्डा ये √3 लैम्डा, तो √3 लैम्डा स्क्वेयर इससे ये कैंसिल, तो 1/√3 यानी कि तीनों के तीनों एंगल हमारे पास जो है √3 आ जाएंगे, यानी कि इक्वली इंक्लाइंड जो है एंगल बन जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मैथमेटिक्स।